Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of fog. हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट अद विशाल। गाइज, ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए। गाइज, बहुत दिन से टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए वीडियो नहीं आया है। बहुत भाई बोल रहे थे बार बार कि भैया वीडियो लाओ कमेंट बॉक्स में, तो आज वीडियो आ गया है। आज हम क्या बात करेंगे? आज बात करेंगे जब भी आप बॉलिंग करते हो या स्पिन करते हो या मीडियम पेस करते हो तो कैसे आप बच सकते हो। मतलब आजकल क्या होता है, टेनिस बॉल से आजकल लगातार छक्के लगते हैं। मतलब कोई भी बैट्समैन आए आगे छक्के मारते हैं, तो कैसे आपको माइंडसेट करना है और कैसे आपको बॉल डालनी है उनके सामने, जो आप ज़्यादा छक्के ना खाएं। अगर आप एक छक्के भी ओवर निकालते हो तो बहुत अच्छा ओवर माना जाता है टेनिस बॉल में, क्योंकि छक्के तीन भी लग जाते हैं, चार भी लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए जो भी बॉल डालते हैं। आज के बाद मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर आपने ये माइंडसेट से बॉल डाला तो 100% आपको ऐसे छक्के नहीं लगेंगे कि तीन लगे, चार लगे, एक आधा छक्का सबको लगता है। और वो आप देखते हो लेदर बॉल क्रिकेट में भी लग जाते हैं जब हम T20 अपना खेलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, जो आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, गाइज मैंने खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है जब भी टेनिस बॉल से बॉल डाली, तो एक एक टिप ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाली है। सबसे पहले जब भी आप टेनिस बॉल से बॉल डालते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना दिमाग बंद करके बॉल कभी नहीं डालनी है। सारा खेल गाइज माइंड का है। अगर आपने बैट्समैन का माइंड पढ़ लिया, मैं 100% बोल रहा हूँ, आपका आधा काम वहीं पर फिनिश हो जाएगा। मतलब आधा काम करना पड़ेगा फिर आपको बॉल डालने में, अपनी रिस्ट में, अपनी बॉलिंग एक्शन में, फिर आपका आधा काम बचेगा। तो क्या करना है, पहले आपको बैट्समैन का दिमाग पढ़ना है कि बैट्समैन किस मूड से खेल रहा है। अगर आपने उसको देख लिया कि हाँ बैट्समैन लेग साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उधर ही सिक्स मार रहा है, या बैट्समैन ऑफ साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उधर ही सिक्स मार रहा है, या आगे की बॉल में मार रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये पता कैसे चलेगा, जब आप उसको दो से तीन बॉल डाल लोगे या आप दूसरा तीसरा ओवर डाल रहे हो, आपने देख लिया कि पहले ओवर में बैट्समैन कैसे खेल रहा है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पर बेस क्या होता है गाइज, आज के टाइम में आप कितना भी फास्ट बॉल डाल सकते हो वो मार देगा। आप देखते हो कितना भी तेज बॉल डाल सकते हो, अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग के साथ वेरिएशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको होने वाली है बॉल डालते हुए। तो जितना जल्दी हो सकता है आपको वेरिएशन सीखनी है बॉलिंग में। क्या क्या वेरिएशन होते हैं मैंने बहुत वीडियो बनाया है। लेग कटर होती है गाइज, ऑफ कटर होती है, आप बैक ऑफ द हैंड डाल सकते हैं, आप स्लोअर वन डाल सकते हो उसमें अपने रिस्ट से। तो बहुत सारे अपने वेरिएशन होते हैं। अगर स्पिन डालते हो तो अपना लेग स्पिन हो सकती है, ऑफ स्पिन हो सकती है, तो सब आपको डालनी सीखनी पड़ेगी। जितना जल्दी सीखोगे, स्टार्टिंग में किसी से नहीं होती। फर्स्ट बॉल आप डालोगे कभी भी तो कभी वो स्लोअर वन नहीं डलेगी, कभी वो लेग कटर नहीं डलेगी, उसमें टाइम लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना मतलब पूरा फोकस देना है कि ये बॉल मुझे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपको अलग करेगी सब बॉलर से। सब बॉल तेज तेज डाल के छक्के खा रहे होंगे, अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप वहीं बच जाओगे। आपने एक अच्छा योर्कर डाला, उसके बाद आपने एक अच्छा गुड लेंथ से डाला, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके पास सब बॉल है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब आपको अगली टिप जरूर, जो बहुत ज़्यादा बॉलर गलती करते हैं जब भी वो बॉल डालते हैं, क्या गलती होती है, जब एक दो छक्के लग जाते हैं तो पूरा ओवर वो बढ़ा दे रहे थे, मतलब चार से पांच छक्के उस ओवर में लग जाते हैं, जो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ टेनिस बॉल से। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है उस दौरान। अगर आप पेशेंस रखोगे, ठंडे दिमाग से बॉल डालोगे, तो 100% आप इतने छक्के नहीं खाओगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपने पहला छक्का कहाँ खाया। आपने अगर वो लंबी बॉल पर खाया तो आपको वहीं ध्यान रखना है कि बैट्समैन की आपको रेंज देखनी, अगर वो आगे अच्छा खेल रहा है तो आपको पीछे डालना है। पीछे का मतलब बिल्कुल आपको छोटे नहीं डालना है। अगर वो लेग में मार रहा है तो आपको ऑफ में डालने, ऐसे आपको चेंज करते रहना है। अगर आप ऐसे चेंज करोगे तो गारंटेड आपको इतने रन नहीं लगेंगे, इकट्ठे चार पांच छक्के लगेंगे। अगर आप चार, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है टेनिस में, ज़्यादातर बैट्समैन कंटिन्यू रन मारते रहते हैं, तो आपको उसको रोकने के लिए उनका माइंड पहले ही पढ़ना पड़ेगा। और अपने वेरिएशन आपके पास ज़्यादा होंगे तो आप बिल्कुल भी ऐसे छक्के नहीं खाओगे। तो कोशिश आपको ये करनी है, आपको उसको ट्राई करना है, यॉर्कर भी डालना है। अगर हाँ बैट्समैन कमजोर है, बैट्समैन का अपना हल्का खेल रहा है, उस टाइम आप डाल सकते हो। गुड लेंथ से टप्पे से अपना डाल रहे हो तो बैट्समैन बीट हो रहा है, तो इतना आसान नहीं है मारना। अगर हाँ वो गुड लेंथ की बॉल अच्छी पिक कर रहा है, वो छक्के मार रहा है, तो आपको यॉर्कर ट्राई करनी है, उसके बाद आप लेग कटर भी डाल सकते हो। मतलब आपके पास वेरिएशन होने चाहिए। जिस बॉल पर आपको छक्का लग रहा है, अगली बॉल आपको माइंड से ध्यान रखना है कि हाँ मेरे पास यॉर्कर है, हाँ मेरे पास ऑफ कटर है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लेफ्टी खेल रहा है, लेफ्टी आपको छक्के मार रहा है, तो उसको आप उस टाइम बाहर डाल सकते हो, क्योंकि सबका बैट ऐसे ही घूमता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं गाइज। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, आपको चेंज कहाँ करना है। आपको ये नहीं चेंज करना है आप भाग के आए और आपने रनअप पे देखा कि वहाँ चेंज कर दिया। आपको पहले ही माइंड में पढ़ के आना है वहाँ से, कि जब आप रनअप लोगे ना, उस टाइम आपको खड़े होकर सोचना है कि लास्ट बॉल पे इस बैट्समैन ने क्या शॉट खेला और मैं क्या बॉल डालूंगा। हाँ, लास्ट में आप क्या चेंज कर सकते हो, जब बैट्समैन अपने स्टेप आउट कर रहा है, स्टेप आउट कर रहा है, तो उस टाइम आपको छोटा मारना है। अगर पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, उस टाइम आप रनअप के दौरान अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हो। वरना आपका पहले ही जब आप रनअप के खड़े होंगे, जाओगे बॉल लेके, उस टाइम आपको पूरा सोच के रखना है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं खुद बॉल करता हूँ तो उस टाइम ये सोचता हूँ कि हाँ लास्ट की चार बॉल बैट्समैन ने कहाँ खेली। गाइज, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी जब आप मैच खेलोगे तो ये बातें धीरे धीरे करके अपनी इंप्लीमेंट करोगे, तो आप 100% इतने ज़्यादा रन नहीं खाने वाले हो, आप एक दिन इतने अच्छे बॉलर बन जाओगे। बस आज से आपको क्या काम करना है, वेरिएशन सीखना है और साथ साथ तेजी बॉल डाल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको तेज डालनी छोड़नी है, तेज भी डालनी है, पर उसके साथ साथ आपके पास वेरिएशन भी होना चाहिए, क्योंकि तेज बॉलर कितने भी तेज हो वो बहुत मुश्किल बचते हैं
क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, बैट्समैन गाइस पके हुए होते हैं, पूरे लंबे लंबे छक्के मारते हैं, तो साथ साथ आप हो सके तो लेग कटर जितनी जल्दी हो सके सीख लो, क्योंकि इसको मारना इतना आसान नहीं है, सब बैट्समैन हल्के होते हैं इस पे। और अगर अपना लेफ्टी खेला है तो ऑफ कटर डाल दो और पीछे से बैक ऑफ द हैंड भी डाल सकते हो। तो ये सब बोले बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब भी आप अपना बैट्समैन को बोलेंगे, जब भी आप बॉल डालना स्टार्ट करोगे। और ये आएंगी कब, जब आप अपने प्रैक्टिस मैच में और स्टार्ट करोगे मतलब डालना। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे डरते रहोगे कि छक्के लगेंगे, स्टार्टिंग में लगेंगे जब आप पहली स्लो रन डालोगे लगेंगे, फिर धीरे धीरे आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप कंटिन्यू बॉल डालने लगोगे। तो ये टिप्स से अगर आपको कुछ भी हेल्प होता है तो नीचे कमेंट करो, अच्छा लगता है जब आप कमेंट और लाइक करते हो और शेयर भी कर दो जो भी आपके क्रिकेटिंग फ्रेंड है। और गाइज आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।